हाय नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बॉलीवुड के जाने माने प्लेबैक सिंगर हिमेश रेशमिया की बायोग्राफी यानी कि उनकी जीवनी के बारे में। और दोस्तों यहां पर इस वीडियो में हम जानेंगे हिमेश रेशमिया की पढ़ाई, शादी, करियर और उनके जन्म के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि हिमेश रेशमिया एक इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर, प्लेबैक सिंगर और एक्टर रहे हैं। और दोस्तों हिमेश रेशमिया का जन्म 23 जुलाई 1973 को गुजरात में हुआ था। यहाँ पर आपको बता दें कि हिमेश रेशमिया के पिता का नाम विपिन रेशमिया है और उनकी माता का नाम मधु रेशमिया है। और दोस्तों शायद आपको नहीं पता होगा कि हिमेश रेशमिया के एक बड़े भाई भी थे जिनकी मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी और तब उनकी उम्र महज 11 वर्ष थी। दोस्तों आपको बता दें कि हिमेश रेशमिया ने अपने पिता की इच्छा के चलते संगीत में अपना करियर बनाया हुआ है। अब बात करें उनकी पढ़ाई के बारे में, तो दोस्तों हिमेश रेशमिया ने स्कूली पढ़ाई हिलगंज स्कूल मुंबई से ही संपन्न की है। हिमेश ने अपने करियर की शुरुआत महज 16 साल की उम्र में ही दूरदर्शन अहमदाबाद से कर दी थी। यहाँ पर बात करें उनकी शादी की, तो हिमेश रेशमिया की शादी कोमल रेशमिया से हुई है और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम स्वयं रेशमिया है। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं हिमेश रेशमिया के करियर के बारे में। यहाँ पर हम आपको बता दें कि हिमेश रेशमिया ने अपने करियर की शुरुआत सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से की थी। यह फिल्म काफी सुपरहिट साबित हुई थी और इस फिल्म के बाद हिमेश रेशमिया ने सलमान खान की कई फिल्मों में अपना संगीत दिया था जो कि हमेशा सुपरहिट रहा है। हिमेश को बतौर म्यूजिक डायरेक्टर सफलता फिल्म तेरे नाम से वर्ष 2003 में मिली हुई थी। चलिए दोस्तों आपको बता दें कि सफल निर्देशन के बाद उन्होंने अपनी किस्मत गायकी में फिल्म आशिक बनाया अपने से अजमाई हुई थी। इस फिल्म के गाने उस दौर में काफी हिट साबित भी हुए थे। साथ ही हिमेश रेशमिया को इस फिल्म के बेहतरीन गानों के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गायक के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। दोस्तों आपको बता दें कि हिमेश रेशमिया हिंदी सिनेमा के पहले ऐसे गायक और संगीत निर्देशक हैं जिन्हें उनके पहले डेब्यू गाने के फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नवोदित गायक के अवार्ड से नवाजा गया है। और हिमेश ने बतौर गायक और संगीत निर्देशक हिंदी सिनेमा में कई हिट गाने भी गाए हुए हैं और बेहतरीन संगीतकार निर्देशन भी किया है। म्यूजिक डायरेक्टर बनने से पहले हिमेश ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन निर्माता के तौर पर की हुई थी जिसके तहत उन्होंने कई सारे सूच का निर्माण भी किया था। हालांकि जिस तरह हिमेश का संगीत निर्देशन और उनकी गायकी करियर हिंदी सिनेमा में सुपरहिट रहा है, उस तरह से उनका अभिनय करियर नहीं रहा है। उन्होंने बतौर अभिनेता कई फिल्मों में भी काम किया है लेकिन उनकी एक भी फिल्म सिनेमाघरों में दर्शकों की कोई खास भीड़ नहीं जुटा सकी है। चलिए यहाँ पर आप बात कर लेते हैं हिमेश रेशमिया के टीवी करियर के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि हिमेश रेशमिया बड़े पर्दे के अलावा छोटे पर्दे पर भी सक्रिय रहते हैं और वह टेलीविजन के कई सिंगिंग बेस्ड रियलिटी शोज में बतौर जज भी नजर आ चुके हैं जिनमें सारे गांव पर चैलेंज, म्यूजिक का महाक्षेत्र, सुरक्षित आदि मुख्य शोज रहे हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हिमेश रेशमिया के बारे में जानकर और आपको हिमेश रेशमिया का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपका वीडियो देखने